हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रीलिम्स में जीएस पेपर को अटेम्प्ट करने का कौन सा तरीका मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जिससे हमारी एक्यूरेसी एंड अल्टीमेटली हमारा स्कोर बढ़ सके। देखो, अगर आप ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुके हो या आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कई बार हम पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना टाइम लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को जिन्हें हम मार्क करते हैं ये सोचते हुए कि इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट राउंड में, वो हम देख ही नहीं पाते। या फर्स्ट रीडिंग करने के बाद इतना कम टाइम बचता है कि अगर आप दो ऑप्शंस पहले से एलिमिनेट भी कर चुके हो, तब भी हम उन क्वेश्चंस को मोस्टली गलत मार्क कराते हैं। नाउ द मेन थिंग इज कि आपका आंसर सिर्फ इसलिए गलत नहीं हुआ कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था, बट इसलिए गलत हुआ बिकॉज आप लिमिटेड टाइम में अंडर प्रेशर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे थे। बिकॉज आपने हर जगह ये सुना है कि अगर आप 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी पे आ गए हो तो उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट जरूर ही करना है। बट लेकिन होता क्या है कि आप लास्ट 10 मिनट्स में लेकर के बैठे हो 10 क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन को ऐसे, जहां आप एलिमिनेशन कर चुके हो, तो आपको पता है कि आपको इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो वहां आप प्रेशर में आंसर गलत मार्क कराते हो। तो आज इस वीडियो को लाने का मेरा यही पर्पस है कि मैं टाइमली बिफोर द प्रीलिम्स आपसे शेयर करूं कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना चाहिए जब आप वहां प्रीलिम्स में 2 घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी और आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा 3 iteration मेथड के बारे में, बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू ये चीज सुनी होगी। तो इसी मेथड को मैं डिकोड करूंगी बिकॉज इसी मेथड को मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है एंड प्रीलिम्स क्लियर किया है। ठीक है, अब ये देखो ये मेथड है क्या। ये बेसिकली 3 iteration मेथड एक टाइम रूल होता है बिकॉज आपके पास, हम सब जानते हैं कि 2 घंटे का समय होता है, 120 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए प्री में। तो अब इस 2 घंटे के ब्रैकेट को हम 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करते हैं, जिसमें 50 मिनट्स का आपका राउंड 1 होगा, 40 मिनट्स का राउंड 2 होगा एंड 20 मिनट्स का राउंड 3 होगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन बार बार इन 3 राउंड्स में देखने, ऐसा नहीं है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि करना क्या होता है एग्जैक्टली इन राउंड में। हम सिर्फ ये सुनते हैं सबके मुंह से कि यार 3 बार जो है 3 iterations देनी चाहिए, 3 राउंड्स देने चाहिए, पेपर हो जाता है आराम से। बट लेकिन एग्जैक्टली उस राउंड में करना क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपसे आज शेयर करूंगी। एंड 10 मिनट्स फिर भी मैंने एक अननोन रखे थे अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, बिकॉज कभी आपको पानी पीना है, कभी आपको वॉशरूम जाना है, कभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, यू वांट टू टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ इन दोस 2 आवर्स, 2-3 मिनट सोचने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, या फिर आपको ऊपर किसी राउंड में अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये 10 मिनट्स एक रिजर्व टाइम पीरियड है उसके लिए। अब ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो क्यों करनी चाहिए, ये मेथड क्यों फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ समझो। देखो, सबसे पहले तो जो आपके चांसेस ऑफ एरर है इससे वो कम हो जाएंगे। जितनी भी हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, कि हमने करेक्ट एंड करेक्ट नहीं देखा, या हमको क्वेश्चन का आंसर सही मालूम था लेकिन हमने आंसर शीट में गलत बबल फिल कर दिया, तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स को ये इंश्योर करता है कि आपकी ये गलतियां नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या होता है कि आपका प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। देखो क्या होता है कि हम ऑलरेडी राउंड 1 में एलिमिनेशन कर चुके होते हैं और आते हुए क्वेश्चन को हम आंसर शीट पर मार्क कर चुके होते हैं, तो आपको फिर प्रेशर फील नहीं होता है आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आपने अपना काम जो है खत्म कर लिया है, आपने अपना एफर्ट जो है कम कर लिया है आगे के लिए। कई बार क्या होता है हमसे गलती कि हम क्वेश्चन को जब हम सीक्वेंस में सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो मान लो आप एक क्वेश्चन में फंस गए, आपने बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया उस पर, तो और तुरंत उसके बाद मान लो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, या मॉन्टेग्यू चार्ल्स फॉर्म रिफॉर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है, या किस ईयर में आया था, तो इन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में भी आपको ये लगने लगता है कि यार यूपीएससी ने इतना ईजी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, कुछ तो यहाँ यू नो गड़बड़ है, और अल्टीमेटली आप उस आते हुए क्वेश्चन को भी गलत मार्क कराते हो। तो देन ऑफकोर्स इस मेथड को फॉलो करने से आपकी ये वाली गलतियां नहीं होंगी एंड अल्टीमेटली आपका स्कोर तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधे डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले है आपका राउंड 1, जो मैंने आपको बताया था कि 50 मिनट्स का राउंड होगा। इसमें देखिए मैंने यहाँ 45 + 5 मिनट्स लिखा है। प्लस 5 मिनट्स मैंने इसलिए लिखा है कि जो शुरू के 5 मिनट होते हैं ना, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम सब लोग करते हैं कि हम सिर्फ सीक्वेंस में स्टार्ट कर देते हैं पेपर। कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 50 से सीधे पढ़ेंगे, कुछ लोग उल्टा लास्ट में क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू करके 1 की तरफ आने लगते हैं। बट द थिंग इज कि आपको शुरू के एग्जैक्ट 5 मिनट्स में हर एक क्वेश्चन को बस गो थ्रू कर लेना है। उसके ऑप्शंस को नहीं कह रही हूं मैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अच्छा इस रिगार्डिंग है, हल्का सा एक टॉपिक आपने बस समझ लिया, स्कैन कर लिया, आगे चले गए। इस तरीके से आपको पूरे 100 क्वेश्चंस को एक ग्लैंस दे देना है बहुत जल्दी से, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर किस टाइप का है, क्या पूछा गया है एग्जैक्टली। बिकॉज जो हम एक फिक्स रेंज में चलते हैं ना कि मैं तो 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, मेरा वही कंफर्टेबल जोन है, या मैं 80 करूंगी या मैं 90 करूंगी,
ये वाली जो चीज़ है ये डिसाइड होती है पेपर में ही एग्जैक्टली, और ये तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जब आपने 100 क्वेश्चन बिना मार्क के जल्दी से एक ग्लैंस थ्रू किए हुए हैं। हालांकि इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बात करूंगी कि आपका यू नो कंफर्टेबल जोन क्या है, कैसे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे आपको एनालाइज करना है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को जो भी आप अभी सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज हम सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन पढ़ लेते हैं और खत्म, एंड अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स। तो इस चीज के रिगार्डिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अदरवाइज आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ बात करते हैं, देखो 5 मिनट्स का मैंने आपको बता दिया क्या करना है, और अब जो ये 45 मिनट्स है इसमें आपको दोबारा से 100 क्वेश्चंस रीड करने हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा मार्क करना है, जो 100% श्योर क्वेश्चंस है सिर्फ उसी को आपको मार्क करना है अपने पेपर में। अगेन वो आपके अगर 30 के आसपास है ना, या 30 नहीं 25 तो 30 भी है, देन यू आर इन अ वेरी गुड रेंज, आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। एंड अगर उस रेंज से थोड़ा सा कम भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप वर्क कर सकते हो अपनी बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, यू नो सारी बेसिक चीज़ों पे, जिससे आपके ये वाले क्वेश्चंस आराम से इस रेंज में बन जाएं। बिकॉज किसी को भी, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी को भी मोर देन 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट अब जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपने श्योर श्योर क्वेश्चन तभी मार्क करे जैसे ही आपको आंसर समझ में आ गया कि यार इसका आंसर तो ये है, तभी करना है मार्क। बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि हम सोचेंगे कि हम हर आधे घंटे में सारे क्वेश्चन मार्क करेंगे, या हम एक घंटे बाद करेंगे, या हम एंड ऑफ द पेपर मार्क करने जाएंगे। नहीं, जो क्वेश्चन आया उसको वहीं मार्क किया, देन उसके बाद आपने क्या किया, जो भी क्वेश्चंस में आपने थोड़ा बहुत भी एलिमिनेट कर लिया है एक ऑप्शन को या दो ऑप्शन को, उसको आपने सर्कल मार्क कर दिया अपने लिए, ताकि सेकंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सर्कल क्वेश्चंस पे ध्यान जाएगा। जो ऊपर वाले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने अपने पहले ही सेव कर लिए हैं मार्क करके, ठीक है। और क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, उस पर सीधे क्रॉस लगा दो, बिकॉज अल्टीमेटली वहां आपको थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेस से तुक्का मारना पड़ सकता है आगे के लिए। और कितने ये क्वेश्चंस करने चाहिए वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप ऑलरेडी वहां पे अपने श्योर क्वेश्चंस मार्क कर चुके होंगे, वो कितने हैं नंबर, एंड देन जीरो वाले कितने मार्क कर चुके होंगे वो कितने हैं नंबर, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ये तुक्के वाले क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। तो ये तो राउंड वन हो गया, राउंड टू में देखो क्या करना है। आइट्रेशन सेकंड आपकी 40 मिनट्स की होगी, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो है सर्कल मार्क्ड क्वेश्चंस को ही फोकस करना है, जहां पे आपने थोड़ा बहुत एलिमिनेशन पहले कर लिया है। एंड इन केस अगर आप दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो तो ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चाहे इसके लिए आपको KLE टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़े, आप उस टेक्निक को यूज करो जो ऑलरेडी मैंने एलिमिनेशन टेक्निक वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इन केस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हो कि KLE टेक्निक क्या है, कैसे वर्क करती है एलिमिनेशन के लिए फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। मान लो कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि आपने टोटल 33 क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई करी और जिसमें से आपके अल्टीमेटली सिर्फ 12 ही सही हुए और 21 गलत हो गए। तो अगर आपके 12 भी सही है ना तो आपके 24 मार्क्स पॉजिटिव के बन गए, और 21 अगर गलत आपने किए तो आपके -14 बनेंगे नेगेटिव, तब भी आप ओवरऑल 10 मार्क्स पॉजिटिव ही रहोगे। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। यूजली आप इसमें अगेन 50-50 का ही रेशियो निकलता है कि अगर 12 सही है तो 12 ही ऑलमोस्ट गलत भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये फिर भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यार आपका नेट पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो इन वाले क्वेश्चंस को मत छोड़ना। इसके लिए सिर्फ 40 मिनट्स आपको देने हैं, जो बिल्कुल पर्याप्त है, बिकॉज आप एलिमिनेशन वाला काम अपना एफर्ट आधा ऑलरेडी खत्म कर चुके हो पहले राउंड में। अब आपके पास जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वहां पे आपको बस सोचना है, ठीक है। अब इस टाइम पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि तुक्के वाले क्वेश्चन भी हैं वो भी हम इसी में राउंड में करने बैठ गए, ये गलती मत करना। यही गलती होती है कि अल्टीमेटली लास्ट में कम टाइम बचता है और फिर हम अंडर प्रेशर गलत मार्क करने लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें आप ऑलरेडी एलिमिनेशन कर चुके थे। अब ये आपका राउंड टू फिनिश हो गया, राउंड थ्री में देखो अब क्या करना है। राउंड थ्री के लिए आपके पास पूरे 20 मिनट है। अब आप सोचो आपने अपना एफर्ट कितना खत्म कर लिया है, आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया जो आपको करेक्ट बिल्कुल आते थे, आपने ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को भी मार्क कर लिया है अभी तक आपके पास पेपर में। सोचो आपने कितना टाइम लिया, 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट मान लो आपने लिया, और इसमें आपने दो टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मार्क ही कर लिए हैं, एफर्ट आपने बिल्कुल खत्म कर लिया है। अब आपके पास लास्ट राउंड बचता है, आपके पास 20 मिनट से। यहाँ आपको फोकस करना है जो जिन क्वेश्चंस को आपने क्रॉस मार्क किया हुआ था, कि जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, या जस्ट इन केस कि जहां पे भी आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया था बट आप उसका आंसर इस 40 मिनट्स वाले सेकंड राउंड में नहीं निकाल पाए, उन पे आप फोकस करोगे। यहाँ पे आप जो है
कोई भी लॉजिक या इंटेलिजेंट गेस जो आपको लगता है. और देखो ये जो इंटेलिजेंट गेस है ना, ये तभी वर्क करता है व्हेन यू आर वेल रेड. आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, आपकी करंट अफेयर्स पे थोड़ी कमांड है जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है, आपको चीज़ें लॉजिकल लगती हैं. अदरवाइज आप यहाँ पे अगेन KLE टेक्निक आपको हमेशा ही बेनिफिट करेगी, चाहे आपके वो यू नो सर्कल मार्क वाले क्वेश्चंस हों, चाहे आपके तुक्के वाले क्वेश्चंस हों, क्रॉस मार्क. तो इस टेक्निक को भी आपको लगाना है, फॉलो करना है एंड आराम से यहाँ पे भी जो है आपके आंसर्स सही निकल के आएंगे. ओवरऑल जो एक वर्स के सिनेरियो है जो मैंने इसके लिए बताया था ना, सर्कल मार्क के लिए यहाँ पे 12, मान लो अगर आप 8 भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, 8 में से मान लो आपके 3 सही हो गए, ठीक है, पॉजिटिव के 6 मार्क्स हो गए, और आपके अगर मान लीजिए 5 गलत हो गए तो 3.33 मान लीजिए नेगेटिव भी हो गया, तब भी आप ओवरऑल 2 मार्क्स के राउंड अबाउट तो पॉजिटिव में रहोगे, 2 नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स मान लो आप जो है पॉजिटिव में ही चलोगे. लेकिन कितने क्वेश्चंस आपको तुक्के वाले अटेम्प्ट करने चाहिए ये मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर राउंड 1 में आपके नियर अबाउट 25-30 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 25-30 भी छोड़िए, अगर आप 20 अबव हैं तो आप गेम में हैं, आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है. अगर आपके 20 क्वेश्चन भी आपको नेट में आते हैं, देन आपका आता है सर्कल वाला ये जो चीज़ है ना क्वेश्चन, ये आपने कितने सॉल्व किए हैं, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने तुक्के वाले क्वेश्चंस लगाने हैं. अब देखो क्या होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज में प्रिपेयर करते हैं तो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला कि किसी का एक कंफर्टेबल जोन होता है कि हम तो 60-65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसमें जो है मेरी एक्यूरेसी अच्छी आती है, मेरे आंसर्स कम गलत होते हैं और मेरा जो है काम चल जाता है. मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं किया था बिकॉज एक पेपर में मैंने आई नो करेक्टली एग्जैक्टली 64 क्वेश्चंस ही मार्क किए थे, बट आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स विद अ मार्जिन ऑफ आई गेस 2.7 मार्क्स, तो इसलिए मुझे पता है कि मेरा ये कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है. उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 70-80 की रेंज में कंफर्ट जोन फील होता है कि वहाँ पे उनकी एक्यूरेसी अच्छी निकल के आती है. कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होती है कि हम 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब जो है हमारा स्कोर जो है कट ऑफ के आसपास पहुँचेगा. अच्छा, ये जो एक चीज़ है ना कि हमें सिर्फ 100 मार्क्स के लिए ही एम करना है बिकॉज कट ऑफ तो 90 अराउंड जाती है, यार ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ये बहुत गलत चीज़ है ऐसा सोचना. ये अल्टीमेटली पेपर पे डिपेंड करता है बिकॉज कट ऑफ मैं आपको बता दूं 116 भी गई एंड वही कट ऑफ अब आप देख रहे हो कि 90 पे आ चुकी है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा वहीं रहने वाली है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेपर. इसलिए जो शुरू का 5 मिनट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें 100 क्वेश्चंस को जल्दी से बस ग्लांस कर लो. आपको एक एक लाइन पढ़ना नहीं होता है इसमें, आपको बस क्वेश्चन को देख के ये समझना होता है कि अच्छा ये इस बारे में, ये बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, या ये प्रेसिडेंट का अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है आगे चलो. अच्छा, ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग का मिडिल ईस्ट एशिया से क्वेश्चन, ठीक है आगे चलो. बस सिर्फ आपको इतना एक आइडिया होना चाहिए. और यहाँ पे भी एग्जैक्टली क्या पूछा है, प्रेसिडेंट में क्या पूछा है, बस आपको कोई पावर पूछी है क्या या कोई लोकेशन पूछी है मिडिल ईस्ट में, अच्छा इस लोकेशन के बारे में पूछा हुआ है, इस लेक के बारे में पूछा हुआ है, बस ठीक है. आप ऐसे बस आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको सॉल्व नहीं करना है वहाँ पे उन 5 मिनट में. जब आपने ये काम कर लिया होगा ना 5 मिनट में, तभी आपको पता चलेगा कि राउंड अबाउट कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए. कट ऑफ तो छोड़ो, इससे बस आपको इसका आइडिया लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है. एंड वही चीज़ अगर किसी को भी लगता है कि उनका जो राउंड 1 है उसमें 20 क्वेश्चंस नेट करेक्ट नहीं निकल करके आ रहे हैं, प्लीज़ अभी भी टाइम है, इसलिए ये वीडियो मैं इस टाइम पर लेकर के आई हूँ ताकि आपके पास एक यू नो एक अच्छा टाइम बचा हो प्रीलिम से पहले कि आप अपने ऊपर काम कर सको, इम्प्रूव कर सको चीज़ों को, सो दैट आप अपना यहाँ पे स्कोर बढ़ा सको. जो श्योर वाले क्वेश्चंस हैं उनका आप वेटेज बढ़ा सको अपने लिए, ठीक है. तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी.